उत्तर नागपुर अंतर्गत आने वाले कामगार नगर, दीपक नगर और कपिल नगर क्षेत्र में रास्तों पर गड्ढों की समस्या काफी मात्रा में बढ़ रही है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह त्रस्त हो चुका है, जिसके चलते नागरिकों ने रास्तों पर उतरकर रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि पिछले 15 से 20 सालों से इस क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी है। सड़क के लिए निधि मंजूर होने के बाद भी राजनीति की वजह से सड़कों के काम नहीं हो पाए हैं। आज की स्थिति में इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश की वजह से वाहनों का गिरना पड़ना जारी है। लोगों का इस मार्ग पर चलना कठिन हो गया है। कामगर नगर से टायर वाला चौक, गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज से दीपक नगर चौक, दीपक नगर से उपलवाड़ी चौक तक उत्तर नागपुर की सड़कें बदहाल हो गई है। उत्तर नागपुर के दर्जन भर बस्तियों के रहवासियों के आगमन का यही एक रास्ता है। इसके संबंध में दीपक नगर सुधार समिति, मैत्रेय कॉलोनी विकास समिति और गुरुद्वार प्रबंधन कमेटी ने अनेक बार जनप्रतिनिधि और नागपुर सुधार प्रन्यास को ज्ञापन सौंपे है। इस सड़क पर बुधवार बाजार, फार्मेसी कॉलेज, मुस्लिम कब्रिस्तान है। साल 2016 से 17 में इस सड़क के लिए 1,16,00,000 रुपए मंजूर हुए थे। डॉक्टर नितिन राउत ने पालक मंत्री रहते हुए इस सड़क के लिए 3,50,00,000 रुपए मंजूर किए थे, लेकिन सत्ता पलट के बाद सड़क का काम नहीं हो सका। इस मार्ग पर गड्ढे पड़ गए हैं और वाहन चलाना भी कठिन हो गया है। रविवार को कामगार नगर, कपिल नगर और दीपक नगर बस्ती के नागरिक समितियां और कमेटी के सदस्यों ने सड़क पर उतर कर रोष व्यक्त किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रोड की समस्या की वजह से खड़े हैं यहाँ पे सब। हमारे जो वार्ड की जो समस्या है वो पूरी समस्या हमारी दूर हो जाए, और सबसे मेन बात जो है वो रोड की है। चारों तरफ से हमको रोड नहीं है, हम क्या करेंगे, कहाँ से जाएंगे, बच्चों को लाना ले जाना कहाँ से करेंगे। अगर इस बार अगर सुनी नहीं तो हम चौक में जाएंगे, पूरा चौक हम ये कर देंगे, बंद कर देंगे। लेडीज लोग वापस होएंगे, फिर आओ बोलना किसकी परमिशन लेना है, क्या लेना है। तो रोज का आना जाना करना पड़ता हमको। ऐसे बच्चे घर से जाते तो बोलना पड़ता है, बेटा संभल के जाना, नहीं तो गिर जाएगा गड्ढे में जाके। कहीं बरसात में हर माँ की ये रहती, क्या करेंगे, कब तक बताएंगे, बोलेंगे क्या। लड़का घर से जाता तो मालूम नहीं रहता कि वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मेरा खुद का लड़का फ्रैक्चर होके बैठा है, अभी उसको छोड़ के आई मैं जॉब पे। क्या लड़की को रोज का लेना ला ये करना पड़ रहा मेरे को। तब तो आके बताते कि तुम्हारा रोड बनेगा, रोड बनेगा, लाल माटी डाल देते और चिकल भापे कर लेते और गड्ढे बन जाते ट्रक की वजह से। तो अभी हर जन से तो हम बात नहीं कर सकते ना। नितिन गडकरी साहब कितनी बार वो कॉलेज में आए हैं, क्या सांगोड़ी साहब आए हैं, तो आए हैं ना, जो आए हैं वो आए हैं भैया। क्या नितिन राउत भी आया है, वो गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज में आ रहे, उनको दिखता नहीं क्या कि इतने रोड के खड्डे बने हुए करके कैसे आते कैसे जाते, गाड़ी से आते, फोर व्हीलर से, हमको तो टू व्हीलर से चलना पड़ रहा ना। फिर कॉलेज के बच्चे कितनी बार गिरे हैं, क्या एक रोड नहीं है सही ढंग का, इधर परेशान हो गए। मैं दिलीप कौर, मेरा रहना ही कामगार नगर में है। इस क्षेत्र से मैं वाकिफ हूँ, एक पार्टी का सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, एक पार्टी का नेता भी हूँ। और यहाँ के कामों के विषय को लेकर के जिस तरीके मनोज सांगोड़ी जी ने बताया, और हमने भी बहुत बार नितिन रावत जी हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, इन विधायक ने यहाँ पे काम जो विकास के काम करना था वो काम नहीं किया, ज़्यादा ध्यान उन्होंने समाज भवन के ऊपर में दिया, उन्होंने समाज भवन ही बनाया। और उनको भी निवेदन दिया गया, जबकि पालक मंत्री थे वो 2.5 साल पालक मंत्री रहे, जिन्होंने उत्तर नागपुर का ये जो रोड था, ये रोड अनेक वर्षों से खराब है, और हमने निवेदन देकर के उनको आगाह किया कि भाई ये रोड अगर आप नहीं बनाओगे तो यहाँ की जनता आपको नकारात्मक भूमिका से देखेंगी और आपको मतदान नहीं करेंगी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2.5 साल पहले आई है, उसके बाद हमने देवेंद्र जी को पत्र दिया, जो पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देवेंद्र जी ने ये पत्र के माध्यम से उन्होंने वहाँ कलेक्टर को मांगा है इसका जवाब कि भाई जिस तरीके से रोड के लिए पैसा सैंक्शन था, वो पैसा सैंक्शन होना चाहिए। और उन्होंने ये पिछले बार नियोजन कमेटी जो हुई है, उस नियोजन कमेटी में भी उन्होंने ये पत्र सादर किया है। जब नियोजन कमेटी की बैठक होगी तो इसमें रोड का नियोजन लिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है कि हमारे नेताओं से भी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं अपने नेता जो नितिन जी गडकरी साहब और देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि भाई ये रोडों का काम पहले होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक है नितिन राउत जी, वो इस तरफ में ध्यान नहीं है, क्योंकि उनके कान पे जू नहीं रेंगता। कई बार उनको निवेदन दिया गया, यहाँ के बस्ती के लोग गए, यहाँ के नागरिक के लोग गए, उनसे निवेदन देने के बाद में उन्होंने काम नहीं किया। और सबसे पहले ये रोड बनाना, ये मेरी सबसे पहले प्रथम जिम्मेदारी, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का नागरिक हूँ, ये कामगार नगर मेरा तो प्रभागपुर का रहवासी भी हूँ। इसलिए मैं इस जनता से विनती करता हूँ कि आज नितिन जी गडकरी साहब का वहाँ का जनसंपर्क दिन भी है,
यदि कुछ लोग चल सकते होंगे तो अपन गडकरी साहब जी से समय लेकर के उनके वाड़े में जाएंगे और उनके ऑफिस में जाकर के उनको फिर से एक बार निवेदन सौंपेंगे। और ये जो समस्या है और यहाँ का जो वीडियो अगर बना होगा किसी के मोबाइल पे, वो भी साहब को दिखाएंगे। इस तरीके की जनता की समस्या है, आप यहाँ वोट का काम करिए, क्योंकि जनता का कहना सीधा ही है, जो बनाएगा वोट, जो बनाएगा रोड उसको देंगे हम वोट, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। तो ये नेता के सामने स्पष्ट यदि बात होती है तो मुझे लगता अच्छा होगा। नमस्कार, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बीसीएन सीवी का भी धन्यवाद करता हूँ, बीसीएन न्यूज का भी और मेट्रो नागपुर का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, इन बीसीएन न्यूज की अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेम्भरे की रिपोर्ट।